लेट्स स्टार्ट क्विक रिवीजन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन थ्रू माइंड मैप। तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या और किस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन को पहचानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पांच टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है केमिकल रिएक्शन की। सबसे पहला चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शन अपने स्टेट को चेंज कर लेता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चला जाएगा, सॉलिड से मोल्टन स्टेट में चला जाएगा, या फिर सॉलिड से गैसियस स्टेट में भी जा सकता है। दूसरा होता है चेंज इन कलर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हमारे पास होती है तो अपने कलर्स को चेंज कर लेती है, जिसका मतलब ये है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन जरूर हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूँ PbNO3 प्लस Ki की, तो ये दे रहा है हमारे पास PbI2 लेड आयोडाइड प्लस KNO3। तो यहाँ पर ये पहले कलरलेस था, बट इसने अपने कलर को चेंज करके येलो कलर में कन्वर्ट हो चुका है। इवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शन में हमेशा गैस कुछ ना कुछ इवॉल्व होती है। कौन कौन सी गैसेस, जैसे CO2, H2, N2, ये सारी गैसेस इवॉल्व हो सकती है। दो एग्जांपल्स आप लोग के सामने, कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे स्प्लिट होता है, CaO प्लस CO2। तो यहाँ से CO2 गैस निकल रही है और यहाँ से आप लोग H2 गैस निकलते हुए देख सकते हैं। बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर किस तरीके से चेंज होता है, तो उसके लिए हम लोग को इस चैप्टर में दो टाइप के रिएक्शंस पढ़नी होती है। पहली तो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देन दूसरे टाइप की रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक नाम से समझिए, एग्जिट ठीक है, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट हमारी इवॉल्व हो रही हो, निकल रही हो, एग्जिट हो रही हो, वैसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मतलब इन ठीक है, मतलब वापस से हमारी हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें से हम हीट दे रहे हो उस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए, तो वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप लोग अच्छी तरीके से डिफरेंस समझ सकते हैं, एक में से हीट निकलती है और एक में से हम हीट को देते हैं रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करो, जैसे CH4 प्लस O2, तो इट गिव्स CO2 H2 और यहाँ से हीट निकल रही है, इवॉल्व हो रही। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करो, तो यहाँ से देखो इस एरो पर हमने हीट लिखा है, इसका मतलब हम हीट दे रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। यहाँ से PbO प्लस NO2 प्लस O2 यहाँ से हो जाएगा। अब फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट होता क्या, इनसॉल्यूबल लिक्विड होता है प्रेसिपिटेट। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैंने एक पानी लिया, अगर पानी में मैंने मिट्टी डाल दी ठीक है, मैंने सैंड डाल दिया, तो वो क्या सॉल्यूबल है, नहीं, वो इनसॉल्यूबल होकर सेटल डाउन नीचे हो जाएगी। जो भी चीज़ सेटल डाउन हो जाती है हमारे वाटर में, वहाँ पर वो क्या हो जाता है, वहाँ पर हमारा प्रेसिपिटेट या फिर PPT वहाँ पर बन जाती है। तो उसके आप लोग दो एग्जाम्पल देख सकते हैं, AgNO3 प्लस NaCl इट गिव्स NaNO3 प्लस AgCl। तो यहाँ पर AgCl की क्या मिल रही है हमें, PPT यहाँ पर प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग लेट्स डिस्कस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमें इस चैप्टर में पांच टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ना होती है। पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब मेरे दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो क्या हुआ, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन हुआ, इसका मतलब यहाँ पर वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब मेरे दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तब वहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन परफॉर्म होती है। एग्जाम्पल की बात करें, C+O2 इट गिव्स CO2, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट्स थे। H2+O2 इट गिव्स H2, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जस्ट अपोजिट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन नाम से समझ में आ रहा है, डीकम्पोज कर रहे, कम कर रहे हम चीज़ों को। हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है उसको स्प्लिट करते हैं ठीक है। स्प्लिट हम लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन से, इलेक्ट्रोलाइट या फिर फोटोलिसिस से ठीक है। उसको स्प्लिट करके वो सर्वल हमारे प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है यहाँ पर ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स आप लोग अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे ये जो था हमारा, इसी का एग्जाम्पल था CaCO3 इट गिव CaO प्लस CO2, तो ये किसका एग्जाम्पल था हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर क्या करते हैं, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके धक्का दे देता है। सो यार कौन किसको धक्का देगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कम ताकतवर एलिमेंट को धक्का दे देगा। अब यार दीदी कौन ज्यादा ताकतवर है, तो ये हम लोग को सिर्फ और सिर्फ समझ में आता है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज से कि कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कम ताकतवर। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट्स ऊपर आते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो बीच में होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं ठीक है, मीडियम रिएक्टिव, और जो नीचे होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव यहाँ पर एलिमेंट होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, Zn+CoSO4, तो यहाँ पर ये क्या था, जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, तो Zn SO4 हो गया और यहाँ पर CU मेरा अकेला बच गया ठीक है। बात करते पचापटी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है, नहीं नहीं इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस परफॉर्म होता है। अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन लिखूं कि यहाँ पर A B ठीक है, तो A पॉजिटिव आयन है, B नेगेटिव, प्लस C और D, तो C भी पॉजिटिव आयन है और D नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है। मेल मेल का तो क्या ही मेल है, हमेशा अपोजिट अट्रैक्ट होता है ना ठीक है। तो यहाँ पर कैसी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर रिएक्शन हमारी कुछ इस तरीके से होगी कि A D के साथ अट्रैक्ट होगा और B C के साथ ठीक है,
पॉजिटिव नेगेटिव है ना, मेल मेल का तो क्या ही मेल है, ठीक है, तो मेल और फीमेल का ही हमेशा वो होता है। चलो चलो चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ में हमारा टेक्स प्लेस होता है, मतलब साथ में हमारे रिएक्शन में हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या, अगर मैं ऑक्सीजन को ऐड करवा दूँ या फिर मैं हाइड्रोजन को रिमूव करवा दूँ, उसको बोलते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो मैं बात करती हूँ, ये हमारा था कॉपर CU, में मैंने O2 को प्लस करवा दी, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने क्या बोला, दो कंडीशन है, या तो ऑक्सीजन को प्लस करवा दो या हाइड्रोजन को रिमूव करवा दो, तो यहाँ ऑक्सीजन को प्लस करवा रहे। यहाँ पर रिडक्शन में बात करें तो जस्ट उल्टा है, कोई एक चीज़ याद रख लेना, ठीक है, तो उससे अपोजिट तुम कर सकते हो। जैसे अगर हमने ऑक्सीडेशन याद रखा, वहाँ एडिशन ऑफ O2 था तो यहाँ रिमूवल ऑफ O2 है, यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, 2Na+H2, यहाँ पर एडिशन करवाया इन्हें हाइड्रोजन का, ठीक है, और यहाँ पर मिल गया हमें 2NaH। और जब ये दोनों चीज़ें एक ही रिएक्शन में टेक्स प्लेस हो रही हो, एक ही रिएक्शन में जगह बना रही हो, तो हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। आई होप बजावटी ये क्विक रिवीजन आप लोग को समझ में आया, बैलेंसिंग एक बार चेकआउट कर लेना, बैलेंसिंग पर सवाल हमेशा आता ही आता है। तो इसी के साथ मैंने आप लोग के लिए सारे वन शॉट अपलोड कर रखे अंडर 30 मिनट्स, आती तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी ला दी हूँ, जिसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वन शॉट और माय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इस PDF को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एंड साथ ही साथ मेरा एक व्लॉग वाला चैनल है सकीना अली व्लॉग्स करके, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी डेली रूटीन और मेरी पर्सनल लाइफ का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। चलिए आप सकीना दीदी के दिल पर राज करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।